इस धरती का सबसे पुराना शहर यानी काशी, तो हम आपको कराएंगे काशी के दर्शन। इसको बनारस नाम से भी जानते हैं। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। दोस्तों चलते हैं बरेली से काशी, जो कि ट्रेन हमें 12 बजे मिली है, कोलकाता एक्सप्रेस, जो कि ये 12 घंटे में छोड़ेगी लखनऊ होते हुए। तो दोस्तों आप इस पूरी बनारस की सीरीज में बने रहना, जिसमें आपको बहुत कुछ देखने के लिए और बहुत कुछ इन्फॉर्मेशन मिलेगी। तो दोस्तों रात के 2 बजे मैं पहुंच जाता हूं बनारस, और जो कि मैं यहां से बाहर से करता हूं ऑटो, उसके बाद आप देख सकते हैं क्या हुआ आगे। और फिर मुझे पूरे 2 घंटे भटकने के बाद रूम मिल जाता है। थोड़ा इधर उधर देखा ऑटो से उतरने के बाद, क्योंकि 2 घंटे तक मुझे रूम मिला ही नहीं। मैं पूरे 4 बजे अपने रूम के अंदर घुसता हूँ। तो दोस्तों आप देख सकते हैं ये हमारा रूम है। ये हमें 600 का पड़ा था, जो कि रूम काफ़ी बड़ा है, डबल बेड दे रखा है ये, आप देख सकते हैं पूरा। ये हमने अपना सामान ला के रख दिया है, और देखिए हैंगर वगैरह भी है सब कुछ, वॉशरूम भी ठीक है कि आप देखिए, अच्छा खासा स्पेस भी है यहाँ पे बैग वैग रखने के लिए। जो कि मैं बता दूँ ये आपको, ये जो है लंका में है, लंका जो है एरिया है BHU के पास में, जहाँ पे भी बनारस हिंदू विश्वविद्यालय है। जी हाँ, तो फिर मैं 3-4 घंटे आराम करने के बाद निकल पड़ता हूँ बनारस घूमने के लिए। ये देखिए मैं BHU की तरफ रुका हुआ हूँ, जो कि एरिया पड़ता है लंका। अभी हम आपको दिखाएंगे एक यहाँ पे पहलवान लस्सी और कचौड़ी वाला, जो कि लोगों ने मुझे बताया यहाँ पर बहुत ज़्यादा फेमस है, और उधर काशी चाट भंडार। तो मैं सोचता हूँ चलो यार मुझे भूख भी लग रही है, और यहाँ के समोसे और चाट थोड़ा ट्राई कर लिया जाए, क्योंकि 10 बजे का टाइम हो रहा था। उसके बाद घाट पर भी निकलना है घूमने के लिए, सारे घाट आपको दिखाऊंगा मैं अच्छे तरीके से। भैया समोसा कितने का है? समोसा 25 प्लेट। 25 रुपये एक दे दो, एक प्लेट लगा दो। मैंने सुना तो बहुत था कि बनारस में खाने पीने की बहुत कुछ चीज़ें हैं, लस्सी है, मलाइयो है, समोसे हैं, चाट है, बहुत तरीके की चाट भी मिलती है यहाँ पर। तो चलो यार आज ट्राई भी कर लिया, बाकी आप देख सकते हैं पूरा ये। और फिर मैं खा पी के और रास्ते पूछते पूछते चला गया 80 घाट की तरफ, जो कि आपको ये पता है बनारस को गलियों का शहर कहते हैं।
अस्सी घाट पर थोड़ा मैं आराम करके गंगा मैया को देखकर अच्छे तरीके से 2 घंटे मैंने आराम किया और फिर यहाँ से बोट लेकर मैं निकल पड़ता हूँ अगले घाट की तरफ, क्योंकि मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा था यहाँ पर बैठे हुए। मतलब कैसे 2 घंटे बहुत जल्दी ख़त्म हो गए पता ही नहीं चला। ये देखिए ये पूरा 80 घाट है, इतना प्यारा लग रहा है। और वैसे भी गंगा मैया के आगे बैठ के तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है, क्योंकि वो सब कुछ देख रही होती हैं। तो यहाँ पर आपको बोट मिल जाएगी आगे नमो घाट जाने के लिए, दशाश्वमेध घाट जाने के लिए, मणिकर्णिका घाट जाने के लिए, जो कि ये लोग 100 रुपये चार्ज करते हैं, चाहे आप एक तरफ जाएं चाहे आप दोनों तरफ से रिटर्न आए लेंगे 100 रुपये ये। उसके बाद में बोट वाले को 100 रुपये देकर ये शेयरिंग बोट में निकल पड़ता हूँ घाट घूमने के लिए, जो कि बनारस को घाटों का भी शहर कहा जाता है। आप देखेंगे अभी कितना प्यारा लगता है यहाँ पर, कितना अच्छा लग रहा है यहाँ पर, देख सकते हैं कितना प्यारा व्यू है। और यहाँ पर सारे घाट आपको मिलेंगे क्योंकि 84 घाट हैं यहाँ पर, बट अब तो बताते हैं कि एक घाट और बढ़ गया है तो 85 घाट हो गए हैं। और सबसे लास्ट में आपको नमो घाट मिलेगा देखने के लिए, जो कि आप सबर करो मैं आपको सारा दिखाऊंगा, क्योंकि ये सीरीज़ पूरे 4 या 5 पार्ट में डिवाइड होगी। मैं आपको पूरा एक्सपीरियंस कराऊंगा मैंने किस तरीके से घाटों को घूमा है, किस तरीके से बोट का एक्सपीरियंस है, सारे घाटों के बारे में आपको बताऊंगा, और कैसे कैसे बनारस की गलियां हैं, क्या क्या खाने पीने का चीज़ें हैं बनारस में पॉपुलर, जो भी आप खा पी सकते हैं, और कहाँ स्टे कर सकते हैं, कैसे क्या है, सारा कुछ आपको बताऊंगा। बस आप पूरा वीडियो देखते रहें और पूरे वीडियो में बने रहें। लगभग 15 मिनट सफ़र करने के बाद मैं हरिश्चंद घाट आ जाता हूँ, जहाँ पर शवों का अंतिम संस्कार वगैरह करा जाता है 24 घंटे तक। सबसे पहला तो मणिकर्णिका है, वहाँ भी चलेंगे, और उससे पहले ये हरिश्चंद घाट पड़ता है, जो कि 80 और दशाश्वमेध घाट के बीच में पड़ता है, आप देख सकते हैं ये। और वैसे भी इस शहर को आध्यात्मिक ज्ञान और बेहतरीन दृश्यों के लिए जाना जाता है, जो कि ये काफ़ी अच्छा लगता है यहाँ पर। और सबसे पहले मैं आपको ये ले चलता हूँ ये दशाश्वमेध घाट पर, अभी आपको पूरा दिखाया जाएगा। इस घाट के बारे में मतलब बताते हैं, पौराणिक मान्यताओं के अनुसार ब्रह्मा जी द्वारा इस घाट पर अश्वमेध यज्ञ का आयोजन किया गया था, जिसमें 10 घोड़ों की बलि दी गई थी, इस वजह से इसका नाम दशाश्वमेध घाट पड़ा। और दूसरी मान्यता यह है कि मतलब नागवंशी राजा जो वीर सिंह द्वारा इस जगह पर 10 बार अश्वमेध यज्ञ कराया गया था, इसी वजह से इसका नाम दशाश्वमेध घाट पड़ा। दशाश्वमेध घाट पर आपको गंगा आरती भी देखने को मिलेगी, और उसके बाद हम फिर से 15 मिनट चलने के बाद पहुंच जाते हैं वो जगह जहां पर मणिकर्णिका घाट। तो आप देख सकते हैं मणिकर्णिका घाट ऐसा घाट है जहां पर 24 घंटे दिन के 365 मतलब साल के 365 दिन तक जो चिता की अग्नि है वो शांत नहीं होती। देख सकते हैं यहां पर ये शब जलाए जा रहे हैं, यहां पर बताते हैं मोक्ष मिलता है, जो भी यहां पर जिसकी भी डेथ होती है और जो भी यहां पर अंतिम संस्कार होता है उसको मोक्ष मिलता है। मणिकर्णिका घाट के बारे में काफ़ी मतलब चीज़ें हैं, काफ़ी मान्यताएं हैं, और यहाँ पर ये मणिकर्णिका घाट हुआ, दशाश्वमेध घाट हुआ, 80 घाट हुआ, कई सारे ये ऐतिहासिक घाट हैं जहाँ पर गंगा आरती देखने के लिए बहुत दूर दूर से लोग आते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम आपको दिखाते हैं मणिकर्णिका घाट और ज़्यादा पास से। ये देखिए अंतिम संस्कार के लिए यहाँ पर लाइनें लगती हैं, और देखिए ये सारी चिताएँ जल रही हैं। यहाँ पर डेली 70-80 डेड बॉडी आ जाती हैं, आप देख सकते हैं, जो कि यहाँ पर बताते हैं मोक्ष मिलता है। गंगा नदी के किनारे है ये घाट मणिकर्णिका घाट, और भी सारी चीज़ें हैं इस घाट के बारे में, बहुत कुछ है इस घाट के बारे में बताने के लिए। यहाँ पर चिता की राख से होली भी खेलते हैं एक दिन के लिए, यहाँ पर अघोरी बाबा वगैरह सब कोई होते हैं, यहाँ प्राचीन कुंड भी है। और यहाँ पर इस घाट के बारे में मतलब जो भी मान्यता है मैं आपको बता रहा हूँ। यहाँ पर बताते हैं कि भगवान विष्णु जी ने अपने चक्र से कुंड को बना दिया था, जहाँ पर जो भगवान शिव थे तपस्या के उठने के बाद स्नान किया, और उस जगह पर उनके कान का कुंडल खो गया, जो कि आज तक नहीं मिला है, तभी से उस कुंड का नाम मणिकर्णिका घाट पड़ गया। और भगवान विष्णु ने यहाँ पर पहला स्नान किया था मणिकर्णिका घाट। और भी यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें, यहाँ पर जो ये शवों को जलाते हैं इनको डोम राजा बोलते हैं,
जो कि ये लकड़ियों को हटाने का काम मतलब बहुत सारी हेल्प करते हैं। वो देखिए सामने लकड़ियाँ भी यहाँ पर एडवांस में रहती हैं, 15-15 ट्रक भरी हुई, नाव से भरी हुई लकड़ियाँ यहाँ पर एडवांस में पड़ी रहती हैं, जो कि यार यहाँ पर पहुँचने के बाद मुझे बहुत ज़्यादा अजीब सा लग रहा था। मतलब एक तरीके से आप कुछ सोच नहीं पाते हैं, ज़िंदगी और मौत का सफ़र यहाँ पे आके सारा क्लियर हो जाता है। मैं बैठे बैठे सब कुछ देखता रहता यहाँ पर, एक घंटे तक बैठा रहा था मैं, कुछ समझ में नहीं आ रहा था क्या लोग एक दूसरे को परेशान करते हैं क्यों, मतलब यहाँ पर आके सारा क्लियर हो जाता है क्यों लोग ऐसा करते हैं, कभी घमंड करना, सब कुछ यहाँ पर आके क्लियर हो जाएगा। आप बस यहाँ पर आके एक घंटे बैठ जाओ इस घाट पर आके। और फिर मैं पूछता हूँ यहाँ पर कुछ लोगों से, यहाँ पर जो ये मुर्गे वगैरह रखे हैं किस लिए रखे हैं, तो लोग बताते हैं यहाँ पर लोग कुछ लोगों ने बोले रखे होते हैं वो होते हैं ये, इस घाट को मणिकर्णिका घाट को महाशमशान भी कहते हैं। और जो आपको बताया था मणिकर्णिका घाट पर भगवान शिव जी का कुंडल गिर गया था, भगवान शिव आत्माओं से पूछते हैं कि आपने मेरा कुंडल देखा, ये मान्यता है यहाँ पर। उसके बाद हम यहाँ पर एक घंटे बैठने के बाद ये कॉरिडोर चलते हैं, बाबा विश्वनाथ धाम के कॉरिडोर। ये देखिए आगे वो सामने मणिकर्णिका घाट है, ये पूरा कॉरिडोर है, यहाँ से आप दर्शन कर सकते हैं। बट आज मैं दर्शन नहीं कर रहा हूँ, मैं दर्शन करूँगा कल दर्शन करूँगा मैं, क्योंकि मंडे है कल। आज मैं आपको पूरा ये घाट वगैरह जो भी कॉरिडोर है बाहर से पूरा घुमाऊँगा मैं, आप पूरा ये देख सकते हैं। ये जो बड़ी है ना स्काई ब्लू बड़ी होगी, डबल डोर की है। वैसे तो दिनों से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, बट मैं यहाँ पर 8-10 दिन के लिए हूँ, तो इस वजह से मैं सोच रहा हूँ मैं कल ही दर्शन करूँ। आपने देखा ये पूरा कॉरिडोर, उसके बाद मतलब आप सारे घाट के रास्तों से साइड से आप सारे घाट आप पैदल ही पैदल आप विजिट कर सकते हैं। उधर से तो मैं बोट से आया था बट मैं उतर गया था। ये सारे घाट हैं यहाँ पर, 85 घाट हैं पूरे, पहले 84 थे अब 85 हो गए हैं। ये देख सकते हैं आपका ये ललिता घाट है, यहाँ से मैं सीधा मतलब डायरेक्ट साइड से दशाश्वमेध घाट तक पैदल जाऊँगा। और वैसे भी अच्छा तो बहुत ही ज़्यादा लग रहा है यहाँ पर काशी में आके, अभी आपको बहुत कुछ देखने के लिए मिलेगा। अभी तो ये सिर्फ मैं आपको घाट दिखा रहा हूँ, आगे आपको गंगा आरती भी दिखाऊंगा। अभी तो मैं ये आपने पूरा बाहर से विजिट कर लिया, उसके बाद हम दर्शन भी करने जाएंगे बाबा विश्वनाथ धाम के, गंगा जी नहा के। हरे 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 आपने देखा काशी की खूबसूरती। यहाँ पर फॉरनर्स भी बहुत ज़्यादा आते हैं, जो कि बहुत ज़्यादा मानते हैं सारी मान्यताओं को। ये देखिए सारी बोट्स वगैरह खड़ी हुई हैं यहाँ पर। तो दोस्तों पूरे 20 मिनट पैदल चलने के बाद हम आ चुके हैं ये दशाश्वमेध घाट पर। आप देख सकते हैं दशाश्वमेध घाट, जहाँ पर गंगा आरती शाम को बहुत बड़ी गंगा आरती होती है, चारों तरफ से लोग देखते हैं। ये पूरा गंगा जी में से बोटिंग में सामने बोट्स आपको खड़ी हुई मिलेंगी, आपको पूरा दिखाया जाएगा अच्छे तरीके से। उसके बाद मैं दशाश्वमेध घाट से निकल पड़ता हूँ मार्केट की तरफ। आप ये देख सकते हैं यहाँ पर कितनी अच्छी सारी मार्केट बनी हुई है, सारी पिंक कलर की बनी हुई है मार्केट, सारी बिल्डिंग्स आप देख सकते हैं, ये पूरा मार्केट है। और आगे गेट नंबर 2 पड़ेगा, जहाँ से हम कल बाबा विश्वनाथ धाम के दर्शन करने के लिए जाएंगे, उसके बाद काल भैरव जी के दर्शन करेंगे। ये देख सकते हैं आप ये वाला गेट है, ये जहाँ से एंट्री होगी, एंट्री तो 3-4 जगह से है वैसे। और आपकी किसी भी तरह की कोई क्वेरी या क्वेश्चन वगैरह हो तो आप कमेंट ड्रॉप कर सकते हैं, और चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लेना अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो। अभी तो आपको काशी के बहुत सारे वीडियोस मिलेंगे, जो कि वीडियो हर सैटरडे 11 AM पर लाइव हो जाया करेगा, हर सैटरडे 11 बजे आपको मिल जाएगा वीडियो, जो कि अभी मैंने आपको पूरा ये बाहर से दिखाया है, घाट वगैरह के बारे में बताया है। उसके बाद आप देखेंगे आगे पूरा किस तरीके से मंदिर में दर्शन किए, कैसे क्या है, पूरा सारनाथ के बारे में सारा कुछ विंध्याचल।
तो आप देख सकते हैं ये पूरा मार्केट घूमने के बाद मैं जाता हूँ काशी चाट भंडार, जहाँ पर बहुत ज़्यादा पॉपुलर है ये इनकी चाट, जो कि दशाश्वमेध घाट से 1 किलोमीटर है। ये मैं पूरा पैदल पैदल मार्केट घूमने के बाद यहाँ पर आ जाता हूँ। 3 बजे ये शॉप खुलती है, लोग अभी से ही भीड़ लगाना शुरू हो गई, आप देख सकते हैं ये वो पीछे पैसे ले रहा उनसे। तो फिर चलो अब चलते हैं बैक टू होटल, कल आपको दिखाएंगे कहाँ कहाँ घूमे थे, पूरा मैं आपको पूरा टूर दूंगा बनारस का, जिसे हम काशी भी कहते हैं और BHU का भी। तो चलिए फिर, बाय।